हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सो जे आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो हमारी कंसेप्चुअल क्लास थी डिजोल्यूशन ऑफ द फॉर्म वाले चैप्टर की, वो बेटा कंप्लीट हो चुकी है। ऑलमोस्ट कोई टॉपिक ऐसा नहीं रहता है जो आपके कॉन्सेप्ट में आता हो। तो अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चंस की। तो बेटा आपको ध्यान होगा कि मैंने वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड आपको एक कंसेप्ट करवाया हुआ था। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी थी वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड, या बेटा आप जिसको ध्यान नहीं है वो एक बार पहले जाके उस वीडियो को देख लेना, तभी ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आएगा। तो मैं बेटा इसमें आपको इलस्ट्रेशन करवा रहा हूँ इस वीडियो में, तो इलस्ट्रेशंस को आप समझेंगे और उसके बाद आप जो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे। तो एक एक इलस्ट्रेशन को समझते हैं। तो आज के जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है बेटा, इसमें हम दो टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाला और दूसरा बेटा हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, क्योंकि ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक हैं तो इनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन बच्चे, देखते हैं वन बाई वन करके। तो इलस्ट्रेशन नंबर वन बेटा, आपकी बुक में भी सेम ही होगी इलस्ट्रेशन। तो लवण्या एंड द प्रिया वो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1 पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ द डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो ये दोनों बेटा पार्टनर हैं, लवण्या और प्रिया, जो कि अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 में अपने शेयर्स को बांटते हैं। उनकी फर्म डिजोल्व हो जाती है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले वाले जो पॉइंट दे रखा है उसमें क्या दे रखा है बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड 1,50,000 एंड द बैलेंस सीट इन द बैलेंस सीट एंड देर वॉज नो लाइबिलिटी। बेटा कोई लाइबिलिटी नहीं है टूअर्ड द कंपनसेशन। अब मैंने बता रखा है बेटा उस वीडियोज़ में कि अगर कोई लाइबिलिटी नहीं होती तो डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इसको हम पार्टनर कैपिटल में बांट देते हैं। तो मैं डायरेक्टली क्या किया, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू लवण्या एंड टू द प्रिया, किस रेशो में बांट दिया बेटा, जो इनकी रेशो है 2:1 की रेशो में है, इसको बांट दिया हमने। तो 150 को बांट दिया बेटा 1,50,000। सेकेंड वाला देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा 1,50,000 है बैलेंस शीट में, लेकिन लाइबिलिटी कितनी है बेटा 90,000 है। तो 90,000 बेटा रियलाइजेशन में चले जाएगा और उसके बाद जो बचेगा इसमें हम बांट देंगे। देखिए तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन, क्योंकि 90,000 की लाइबिलिटी है तो 90,000 ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद बेटा 1,50,000 में से 90 माइनस कर दिया, बचा कितना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 बचा। ठीक है, 60,000 को हमने लवण्या और प्रिया में बांट दिया बेटा, किस रेशो में 2:1 की रेशो में बांट दिया। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये लाइबिलिटी है बेटा, तो लाइबिलिटी है तो हमें पेड भी करनी पड़ेगी। तो थर्ड एंट्री इसमें कौन सी कर देंगे, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन टू द बैंक अकाउंट ये बेटा हम इसमें इसको पेड भी कर देंगे। उसके बाद थर्ड वाला देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 1.5 लाख का है, लाइबिलिटी भी कितने की है, 1.5 लाख की है। तो इसमें दो एंट्रीज हमारी पास होगी, क्योंकि अब देखो बेटा 1.5 लाख की लाइबिलिटी है, 1.5 लाख का फंड है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रियलाइजेशन सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का बेटा, 150 का। रियलाइजेशन में भी कितना चला जाएगा, 150 चला जाएगा। उसके बाद जब ये लाइबिलिटी है तो इसको हम पेड भी करेंगे, तो रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट 150 150, इसको हमने पेड कर दिया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा सा जो पार्ट होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें बच्चे कन्फ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 150 का है, लेकिन जो लाइबिलिटी है बेटा वो 2 लाख की है। अब ये थोड़ा सा ध्यान कीजिए, मैंने जब वीडियो बेटा इस वाले कॉन्सेप्ट पे मैंने बात करी थी तो मैंने ये बताया था कि हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड जितने का होता है बेटा उतना ही हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। लाइबिलिटी चाहे कितने की हो, देख लेना बेटा वीडियो में एक बार ध्यान से उसको, लाइबिलिटी चाहे कितनी ही हो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जितना होता है उतना ही रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो लाइबिलिटी 2 लाख की है बेटा, लेकिन हमारे पास फंड कितना है, 1,50,000 का। तो 1,50,000 ही रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए जैसे
फोर्थ वाला केस है, फोर्थ का पहले एंट्री और दूसरी एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन। अब है तो लाइबिलिटी बेटा 2 लाख रुपए की, लेकिन रियलाइजेशन में हमारे पास बैलेंस कितना है, 1,50,000। तो 1,50,000 ही ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, 2 लाख नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना आप। लेकिन जब पेड करेंगे बेटा, लाइबिलिटी तो 2 लाख की है तो 2 लाख ही पेड करना पड़ेगा, तो 2 लाख हम पेड करेंगे रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक। दोबारा देख लीजिए बेटा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। रिजर्व कितने का है, 1,50,000 का, और हमारी लाइबिलिटी कितने की है, 2 लाख की है। तो जितने का रिजर्व होता है उतना ही तो बेटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाँ, पेड तो करना पड़ेगा हमें, तो वही यहाँ पे किया हुआ है बेटा, 1,50,000 ट्रांसफ़र किया हुआ है और 2 लाख हमने पेड किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, देर वॉज नो कंपनसेशन रिजर्व इन बैलेंस शीट, और लेकिन हमें पेड कितना पड़ गया बेटा, 40,000 करना पड़ेगा। अब जो कुछ है ही नहीं तो बेटा हम ट्रांसफ़र ही नहीं करेंगे, कुछ नहीं है तो कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बेटा ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो एंट्री भी नहीं होगी, सिर्फ पेड की एंट्री होगी, पेड की, क्योंकि हम लाइबिलिटी पेड कर रहे हैं। तो सिंपल देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, 40,000, 40,000। अब क्योंकि इसमें हमने सिंगल एंट्री इसलिए पास करी क्योंकि हमारे पास रियलाइजेशन जो सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन जो फंड है बेटा, उसमें कोई भी बैलेंस नहीं है, इस वजह से हमने इसमें ये वाली एंट्री पास कर दी। अब अगला टॉपिक बेटा देखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड, तो करते हैं बेटा डिस्कस। छोटा सा टॉपिक है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये भी मैंने बेटा वीडियो में करवा रखा है, जिसको भी ध्यान नहीं है अब, या जिसने वीडियो नहीं देखी है बेटा कंसेप्चुअल वाली, वो जाके देख लेना। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, जो आपको आगे आने वाले फुल फ्लैश क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो अभी से बता रहा हूँ बेटा कि आप जाके देख लेना ज़रूर। जैसे देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड, थर्ड में है बेटा, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इन द फॉलोइंग केसेस। किस किस केस में बेटा, पहला केस है डिजोल्यूशन एक्सपेंस 800 है, इसमें नहीं बता रखा है बेटा किसने पेड किया है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें ना फर्म ही पेड कर रही है। तो सिंपल बेटा, फर्स्ट वाले केस में वही रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट पेड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 पेड बाय प्रभु, एक पार्टनर है प्रभु, प्रभु ने पेड कर दिया, तो बेटा प्रभु के कैपिटल में चला जाएगा। सिंपल है, देखिए, रियलाइजेशन टू प्रभु कैपिटल, रियलाइजेशन टू प्रभु कैपिटल, मतलब पेड किसने किया है बेटा, पार्टनर ने, किसके बिहाफ पे, फर्म के बिहाफ पे। तो देख लेना इसको अपना। अगला है थर्ड वाला, देखिए, गीता अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिजोल्यूशन वर्क, जिसको बेटा डिजोल्यूशन का काम दिया गया, फॉर विच सी वॉज अलाउड रिमुनरेशन, जिसको रिमुनरेशन कितना मिलेगा, 10,000 का मिलेगा। गीता अग्री टू बियर द डिजोल्यूशन एक्सपेंस, हम उसको कमीशन देंगे और वो क्या करेगी बेटा, फर्म के बिहाफ पे डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस को पेड करेगी। एक्चुअल डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं बेटा, 9,500, जो कि गीता ने पेड किया। हमें उससे कोई मतलब नहीं कि कितना भी पेड करे, हमें जितना देना है हम उसको दे देंगे। रियलाइजेशन टू गीताज कैपिटल, हमने रिम्यूनरेशन दे दिया उसको 10,000 का। अब बेटा वो चाहे 800 पेड करे, चाहे 10,000 पेड करे, चाहे 12,000 पेड करे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें फोर्थ वाला, जानकी अ पार्टनर अग्री टू लुक आफ्टर द डिजोल्यूशन वर्क फॉर अ कमीशन ऑफ 5,000, जिसने 5,000 को कमीशन मिलता है और लुक आफ्टर के लिए रेडी हो जाती है। तो जानकी अग्रीड, जानकी बेटा रेडी हो जाती है कि उसको डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस खुद ही पेड करेगी। एक्चुअल डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने आते हैं बेटा, 5,500 के आते हैं, जो कि पेड कौन करता है बेटा, मोहन। लाइबिलिटी किसकी थी बेटा, जानकी की थी, जानकी को पेड करना था। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द जानकी, तो इसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे, सिंपल वही जानकीज कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि बेटा रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए क्योंकि उसको क्या दिया है, जानकी को हमने कमीशन दिया है 5,000 का, और जो 500 बचा बेटा वो जानकी के कैपिटल से जाएगा, तो टू मोहन कैपिटल, मोहन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। अब यहीं पे ये वाला केस होता है बेटा, 5,500 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए, लेकिन पेड किसने किया, जानकी ने, तो हम क्या कर देते हैं बेटा, सिंपल यहाँ पे रियलाइजेशन टू जानकीज कैपिटल कितना कर देते हैं बेटा, हम 5,000 करते। 5,000 क्यों करते, क्योंकि बेटा हमने उसको 5,000 कमीशन दिया है,
ये ध्यान रखना, फर्म ने जितना कमीशन दे दिया उतने की ही एंट्री पास होती है अगर सेम पार्टनर ने पेड किया है तो। रीजन बीइंग क्योंकि बेटा हमें कुछ लेना देना नहीं है, जब हमने एक पार्टनर को अपॉइंट कर दिया कि आपको ये लुक आफ्टर करना है, आपको ये काम करना है, हम आपको 5,000 रुपये देंगे, अब बेटा चाहे रियलाइजेशन एक्सपेंस हमारा 10,000 ही क्यों ना आ जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे आता जाएगा और हम इसको डेप्थ में समझते जाएंगे, तो ठीक है। अगला है बेटा देखिए, पार्टनर्स, एक पार्टनर है कविता, अग्री टू लुक आफ्टर द डिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर द कमीशन 9,000। सी ऑल्सो अग्री टू बियर द डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस। कविता टुक ओवर द फर्नीचर 9,000 का फॉर हिज कमीशन के लिए। फर्नीचर है जो ऑलरेडी टेकन टू ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। जो बेटा फर्नीचर ऑलरेडी हमारा कहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है, हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, तो बेटा ये एंट्री कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे से, तो नो एंट्री, नो एंट्री विल बी पास्ड। अगला देखिए, डेटर्स हैं रविंदर फॉर 19,000 अग्री टू पे द डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस विच वर, कितना था बेटा, 18,000 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेप्ट। डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस और फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेप्ट। अब बेटा उसने क्या कर दिया, 19,000 का ना डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस, फिर 19,000 के उसके डेटर्स थे, मतलब जो किसकी जिम्मेदारी थी, रविंदर की जिम्मेदारी थी पेड करने के लिए। तो रविंदर ने क्या बोला कि मैं इसके बदले में क्या दे देता हूँ, जो हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं उसको मैं पेड कर देता हूँ 18,000 रुपये। तो आप ये क्या मान लेना कि हमने क्या कर दिया, अपने डेटर्स, मतलब जो डेटर्स थे उनका मैंने सेटलमेंट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि उसने 19,000 का डेटर्स लेके हमारा 18,000 का एक्सपेंस पेड कर दिया, तो बेटा इसमें एंट्री क्रॉस हो जाएगी, तो नो एंट्री विल बी पास्ड, इसमें भी कोई एंट्री हम पास नहीं करेंगे। तो बच्चे आज के जो प्रैक्टिस थी वो यही थी बेटा, दो टॉपिक को लेके थी। आप इसको बड़े ध्यान से करना, एक बार दोबारा इन प्रैक्टिस इस इलस्ट्रेशन को करना, वीडियोज़ को देखना एक से दो बार, उसके बाद अब बेटा जो इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये आपको कर लेने हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।